सरसों के दामों में तेजी हुई गायब। जी हाँ, किसान निकाल रहे अपना पुराना स्टॉक। दरअसल देश भर की मंडियों में करीब 2.5 लाख बोरी नई सरसों की आवक के आने से और किसानों की ओर से स्टॉक में रखी पुरानी सरसों की बिकवाली करने के चलते मंडियों में लगातार इसके दाम टूटते जा रहे हैं। दूसरी तरफ तेल तिलों की मिलों की मांग घटने से भी स्थानीय तेल तिलन बाजार में सरसों सीड में गिरावट देखने को मिली है। 3-4 दिन के अंतराल में सरसों सीड में करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहीं जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी 42% लुढ़क चुका है और कंडीशन के अभाव 6700 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। जानकारों के मुताबिक आगे भी सरसों में तेजी के आसार न के बराबर हैं। सोयाबीन, रिफाइंड और मूंगफली के तेल में भी गिरावट देखने को मिली है। सरसों तेल कारोबारियों का कहना है कि सरसों का बिजाई रकबा बढ़ने से और स्टॉकिस्टों की बिकवाली के कारण इन दिनों सरसों सीड में मंदी का रुख देखने को मिल रहा है। सरसों तेल का पर्याप्त खरीदारी न होने की वजह से सरसों सीड में नरमी देखने को मिली है। दरअसल विदेशी तेलों में उतार चढ़ाव होने से और ऊंचे भाव में ग्राहकी कमजोर रहने से सरसों सीड में और ज्यादा मंदी के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित देश की विभिन्न मंडियों में सरसों सीड की आवक वर्तमान में 2.5 लाख बोरी प्रतिदिन बताई गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किए जाने के कारण किसानों का रुझान सरसों की बिजाई की तरफ बढ़ा है। जानकारों का कहना है कि मौसम अनुकूल होने के कारण इस साल देश में सरसों का उत्पादन अधिक होने की संभावना है। यही कारण है कि स्टॉक को देखते हुए आने वाले समय में सरसों और इसके तेल में तेजी के आसार फिलहाल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।